हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर स्पलेंडर जयपुर। तो आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है कि हमारी बाइक की वारंटी ख़त्म कैसे होती है, किस किस चीज़ को मॉडिफाई करवाने से वारंटी ख़त्म होती है, किस किस चीज़ से हमारी वारंटी ख़त्म होगी। आज इसी टॉपिक पर वीडियो है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट है हमारी वायरिंग। जो हमारी वायरिंग होती है उसकी वजह से भी वारंटी ख़त्म हो सकती है। दूसरे है हमारा चैन सेट, इससे भी हमारी वारंटी ख़त्म होती है। तीसरी है जो हमारा एग्जॉस्ट साइलेंसर, इससे भी गाइस हमारी वारंटी ख़त्म होती है। और लास्ट एंड फाइनल एयर फिल्टर जो इधर होता है इस पैनल के पीछे एयर फिल्टर, इससे भी हमारी वारंटी ख़त्म होती है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं वायरिंग। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने इसमें तुम्हारी हेडलाइट इसमें 35 वोल्ट का बल्ब दिया है और कंपनी ने इसे प्रोवाइड करने के लिए कम से कम 100 तरीके तो किए हैं, तभी जाके इसने 30 वोल्ट का बल्ब दिया है। उसके बाद पूरे टेस्ट करने के बाद वो इस बाइक में ये 35 वोल्टेज या 30 वोल्टेज का बल्ब देते हैं। और जो कंपनी वाले इस हेडलाइट में जो बल्ब देते हैं बहुत समय तक चलता है, वो बल्ब कभी ख़राब नहीं होता है। बाई चांस कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हो तभी वो ख़राब हो जाता है, वरना ख़राब नहीं होता है गाइस। और जो 35 वोल्टेज का बल्ब है तो इसकी वायरिंग भी इसके हिसाब से ही है। जो हमारी वायरिंग आती है तो वो भी 35 वोल्टेज के बल्ब को ही सहन कर सकती है। अगर बाई चांस कई बंदों ने अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाने के लिए एलईडी लगवा लेते हैं और 60-60 वोल्टेज के बल्ब लगवा लेते हैं, कई हजार से लगवा लेते हैं, कई अलग अलग तरीके के बल्ब या एलईडी लगवा लेते हैं, तो उससे भी हमारी बाइक की वारंटी ख़त्म होती है। और हमारी बाइक की वारंटी ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि कंपनी वालों ने इसमें ओनली 35 वोल्टेज का बल्ब दिया है, तो इसकी वायरिंग भी उस 35 वोल्टेज को सहन कर सकती है। अगर हम बाई चांस इसमें 60 वोल्टेज का बल्ब लगाएंगे तो इसकी वायरिंग तो 35 वोल्टेज की रह गई, और हम 60 वोल्टेज का लगाएंगे तो वो तो ख़राब होगी ना। तो इसमें 60 वोल्टेज का बल्ब एलईडी बल्ब लगाने से हमारी वायरिंग कहीं पर भी जल सकती है या ख़राब हो सकती है, या कहीं लंबे समय तक एलईडी जूपने के कारण भी हमारी वायरिंग गर्मा कर ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें जो इसमें कंपनी वाले प्रोवाइड कर रखे हैं उसी बल्ब को लगाना चाहिए, बाकियों को नहीं लगाना चाहिए। और एक होता है हम बाई चांस कोई एलईडी या कुछ लगवाते हैं तो जो हमारा सर्किट है उसको कपलर टू कपलर हो तो अच्छा है, अगर कपलर टू कपलर वो सर्किट नहीं है तो भी हमारी वायरिंग ख़राब हो सकती है गाइज। तो हम कभी भी कोई बाई चांस एलईडी लगवाते हैं तो उसको कपलर टू कपलर करवाए, वरना हमारी वारंटी ख़त्म हो जाती है। दूसरी जो बात आती है हमारी एग्जॉस्ट की आती है, जो आप देख रहे हैं बेसिक्स गाड़ी में ये वाला ही एग्जॉस्ट आता है। और गाइज हमें ये बदलवाना नहीं चाहिए। कई बंदे होते हैं जो मॉडिफाई करने के लिए वो बुलेट वाले या अलग अलग प्रकार के साइलेंसर या लगवा लेते हैं, और कई बंदे होते हैं जो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर छेद करवा लेते हैं ताकि इससे अलग आवाज़ आए। पर गाइज इससे हम कोई नुकसान है, इससे हमारी वारंटी ख़त्म होती है, इससे इंजन पर भी इफेक्ट पड़ता है गाइज। तो हमें ये एग्जॉस्ट बदलवाना नहीं चाहिए, जो इसमें आ रहा है वही अच्छा है गाइज। और गाइज तीसरी बात आती है जो है हमारा चैन सेट। ये देखो गाइज चैन सेट होता है, इससे भी वारंटी हमारी ख़त्म होती है। वो ऐसे होती है जैसे हमारी बाइक 20,000 किलोमीटर चल जाती है, नई नई बाइक 20,000 किलोमीटर चलने के बाद चैन सेट ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाकी सर्विस तो कंपनी से करवा लेते हैं, और जहाँ पर भी दुकान शॉप कोई भी दिखे तो वहाँ पर हम चैन सेट लगवा लेते हैं, क्योंकि दुकान या शॉप पर कहीं पर भी 700-800 रुपये तक के डाल देते हैं और कंपनी वाले 1200 के डालते हैं। तो हम जहाँ पर सस्ता होगा वहीं पर हम लगवाते हैं गाइज। तो जो दुकान वाले होते हैं वो क्या नोकल डाल देते हैं 700 रुपये वाला, और हम भी उसको डलवा लेते हैं क्योंकि हमको सस्ता देखना है, इस खातिर हम उसको डलवा लेते हैं। बल्कि हमको वो नहीं डलवाना चाहिए, हमको कंपनी में से ही डलवाना चाहिए ताकि हमारा जो चैन सेट है वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। और गाइज अगर हम शॉप से डलवाते हैं तो इस पर यहाँ पर जो चैन सेट का कवर होता है
जो यहाँ पर क्लच प्लेट होती है उस पर भी फर्क पड़ता है गाइस, वो ख़राब होती है, थोड़े दिनों में वो ख़राब हो जाएगी और हमको भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा गाइस। तो हमको कंपनी में से चेंज सेट डलवाना चाहिए। कई गाइस होते हैं जो शॉप से करवा लेते हैं और बाकी सर्विस कंपनी से करवा लेते, तो गाइस हमको पूरा काम जो है वो कंपनी से ही करवाना चाहिए। वो जो भी चीज़ डालते हैं वो ओरिजिनली डालते हैं गाइस, लोकल नहीं डालते, शॉप वाले लोकल डाल देते हैं। चौथी चीज़ है जो है हमारी बैटरी, वो है इस पैनल के पीछे। अब कई बंदे होते हैं जो LED लगवाते हैं, आजार्स बल्ब लगवाते हैं और कई प्रकार के जो ओरन लगवाते हैं। कई बंदे जो रूट्स वाले ओरन आते हैं वो बड़े बड़े ओरन लगवाते हैं, तो इससे भी गाइस हमारी बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारी बैटरी 4LV की है, कई बैटरियाँ आती है 4LV, 5LV, 6LV तक की बैटरियाँ आती है, वो अपनी बाइक के हिसाब से लगा देते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए 4LV की बैटरी है, अगर बाई चांस हम इसमें रिम लाइट लगवाएंगे, पिछले हार्ड आजार्स बल्ब लगवाएंगे, इंडिकेटर में बल्ब लगवाएंगे, आगे हेड लाइट में फट और फिर बिल्कुल झमाझम कर देंगे गाड़ी को, हेड लाइट में बिल्कुल बल्ब भी बल्ब कर देंगे या LED लगवा देंगे, तो गाइस इससे हमारी बैटरी सपोर्ट नहीं कर पाएगी और हमारी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। वो इसलिए होगी क्योंकि 4LV की बैटरी ज़्यादा भारी नहीं होती है और हम इतनी LED लगवाएंगे तो वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी बैटरी लगवाएंगे। बड़ी बैटरी लगवाएंगे तो भी हमारी वारंटी ख़त्म होगी, कंपनी वाले जो प्रोवाइड करते हैं वही बैटरी रहना अनिवार्य है। अगर हम बड़ी बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अपनी वारंटी ख़त्म कर देगी गाइस। तो हमको ज़्यादा लाइटें एंड LED नहीं लगवानी चाहिए, जो मिनिमम होती है वही लगवाए ताकि हमारी बैटरी यही रहे और ख़त्म ना हो। और लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है वो है हमारा एयर फिल्टर। जो एयर फिल्टर होता है जो इसके पीछे होता है वो है गाइस। अब इसमें जो कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं वो सिंपल वाला एयर फिल्टर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें बिल्कुल साइलेंट आवाज़ आए। कई बंदे जो होते हैं मॉडिफाई करवाने के लिए वो क्या करते हैं, इस एयर फिल्टर को हटा देते हैं और यहाँ पर ये देखो ये जो पाइपलाइन जा रही है यहाँ पर दूसरा वाला एयर फिल्टर लगवा देते हैं, जिससे क्या आवाज़ थोड़ी फिल्टर के आती है जो थोड़ी अच्छी भी लगती है, बट वो भी हमें नहीं लगवाना चाहिए गाइस। जो वो एयर फिल्टर आते हैं वो मॉक्सी वाले 200, 400, 500 वाले वो वाले लगवा देते हैं गाइस, तो वो एयर फिल्टर हमको नहीं लगवाना चाहिए। तो गाइस कंपनी वाले इसको ख़त्म कर देते हैं, हमारी वारंटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कंपनी वाले को सोच समझ कर देते हैं गाइस, तो हमको उनके हिसाब से चलेंगे तो हमारी बाइक की वारंटी रहेगी, वरना हमारी बाइक की वारंटी नहीं रहेगी। और एक और जो बात है वो है हमारे इंजन ऑयल पर गाइस। जैसे हम कई बार सर्विस करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वो इंजन ऑयल डालते हैं उसको हम बाहर जाके वापस निकलवा के हम जो मोटोल का इंजन ऑयल आता है वो सबसे बेस्ट रहता है वो लगवा वो डलवा देते हैं, तो उससे भी हमारी बाइक की वारंटी ख़त्म होती है। वो इसलिए होती है गाइज, अगर बाई चांस कंपनी वालों को पता चल गया कि ये हमारा जो ऑयल है वो यूज़ नहीं कर रहा है, बाकी दूसरा ऑयल कंपनी का यूज़ कर रहा है, तो उससे बाइक ख़राब होगी। बाई चांस कभी ना कभी बाइक पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक्स फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है गाइज, इसमें कोई भी ऑयल नहीं लगेगा, जो कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं वही ऑयल इसमें लगेगा गाइज, और वही ऑयल हमको डलवाना चाहिए। क्योंकि ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना वो ज़्यादा कम होता है, वो इसके हिसाब से मीडियम होता है और वही हमको डलवाना चाहिए। तो कंपनी में जो सर्विस करवाने जाते हैं तब हमको जो वो ऑयल डालते हैं वही डलवाना चाहिए गाइज। हम कई बार बाई चांस बाहर से सर्विस करवा लेते हैं या कहीं पर भी सर्विस करवा लेते हैं, तो अगर हमने बाय चांस एक बार भी बाहर से सर्विस करवाई तो भी कंपनी वालों की वारंटी ख़त्म हो जाएगी गाइज। वो ऐसे बोलते हैं अगर हमसे आप लगातार सर्विस करवा रहे हो तो 70,000 तक किलोमीटर की हमारी गारंटी है कि ये बाइक कहीं पर भी नहीं जाएगी, और अगर हम बाहर से डलवाएंगे और उनको पता चल गया तो 70,000 से पहले ही हमारी वारंटी ख़त्म हो जाएगी और हमारी बाइक ख़राब भी हो जाएगी गाइज जल्दी। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दे गाइज, आगे आगे भी यही वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।